बाबा ठीक है हाँ जी हाँ जी जाने का प्रयास करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा गांव की ओर से श्री बलकार सिंह श्रीमती रेणुबाला का स्वागत करेंगे। श्री बलकार सिंह जी बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य है। सुधौरा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बहन रेणु बाला जी, चौधरी दाताराम जी, सरदार परमजीत सिंह जी और जो साथी हमारे इधर मान्य साथी हमारे बीच में आए हैं। मैं अपने हमारे पीछे ही ये नाला है, गांव का तालाब है जिसके पानी की कोई निकासी नहीं है और सारी सड़क के ऊपर से हर टाइम पानी चलता है। आए दिन यहाँ पर मोटरसाइकिल से साइकिल से हर रोज कोई ना कोई गिरता है, चोट लगती है, पैदल तो यहाँ से निकल ही नहीं सकता बंदा। तो मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि ये दो समस्या हमारी सबसे पहले पूरी करें। तीसरी समस्या हमारी गांव की भी है और हमारे पड़ोसी गाँव की भी है, जो नदी की समस्या है। वो हमारी इतनी बड़ी समस्या है जिसका हम हर जगह हर महकमे के पास जा चुके हैं पर किसी ने कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं करी है। हमारे सिर्फ अकेले हमारे गांव की 250 एकड़ फसल हर साल बर्बाद हो जाती है, ना उसका कोई मुआवजा मिलता है, ना आज तक कोई हल हुआ है। तो मैं मैडम से अनुरोध करूंगा जी, तो हमारी ये तीनों समस्याएं जरूर हल करें, ठीक है जी। और हम आपसे वादा करते हैं हम आपको अपने गांव से बहुत ही भारी मतों से विजय बनाए के भेजेंगे। जो आज तक किसी भी प्रत्याशी को यहाँ से इतनी वोट नहीं पड़ी होगी वो रिकॉर्ड हम बनाएंगे। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। मैं आज गांव बसातियावाड़ा में मैडम श्रीमती रेणुबाला विधायक सडोरा का अपने गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मेरी महिलाएं, माताएं, आप यहां जिनके विचारों को सुनने के लिए रात के टाइम पहुंचे तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको मतलब विपक्ष में रह के सरकार कोई भी ग्रांट और पैसा नहीं देती विकास के लिए, और ऐसे ही मैडम है जो विपक्ष में थे लेकिन उन्होंने हल्के की आवाज को वो खूबी उठाया है। विधानसभा में आप इनके अगर स्पीच सुनोगे, विधानसभा में इनके इन्होंने यहाँ की एक एक समस्या को विधानसभा में बहुत मजबूती से उठाया है। आप कभी भी विधानसभा का सुनना, आप जिसको चुनते हो अपना प्रतिनिधि, वो आपकी आवाज बनके
विधानसभा में आवाज उठाता है। जो भी आपकी समस्या है वो मैडम ने बखूबी विधानसभा में उठाई हुई है। पिछले 5 साल का आप इनका विधानसभा की कार्रवाई देखोगे, इनका स्पीच सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने हलके के लिए क्या क्या मांगे रखी है और क्या क्या आपको दिया है। लेकिन आपका विकास आपके गांव में, देखो आपका गांव का रास्ता ही कितने टाइम से ये खराब पड़ा हुआ है। सरकार नहीं चाहती कि कभी भी विपक्ष की विधायक को हम ग्रांट दें ताकि वो हल्के का विकास करके दोबारा ना एमएलए बने। तो मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आपने एक किसी के बहकावे में नहीं आना। कुछ लोग दूसरी पार्टियों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैडम को कांग्रेस से टिकट मिला है, हाथ का निशान है। ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं ये सब झूठ है, भ्रांति है। आप मैडम को मजबूत करोगे, ये अब इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। जितने भी सर्वे हैं उनमें सब में आप देख रहे हो कि 60-62 सीट इस टाइम कांग्रेस को मिल रही है। आप उन 60-62 सीट में मैडम को भी जिताओगे तो ये हलके का विकास मजबूती से करेंगी। आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगी। हम बैठे हैं आपके पड़ोस में ही बैठे हैं, आपके साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे और मैडम की तरफ से भी आश्वासन देते हैं आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनका पूर्ण रूप से निदान किया जाएगा। अब मैं आपसे लास्ट में यही अपील करता हूं, आप मेरे मान सम्मान के योग्य सारे वोटर हैं। देखो आपने एक एक मतदान करना है और मैडम के पक्ष में मतदान करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका यहाँ पे पहुंचने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वह आए और आपसे वोट की अपील करे तथा आपके साथ अपने विचार साझा करे, श्रीमती रेणु बालाजी। सबसे पहले तो भगवान के चरणों में सादर नमन करते हुए और बड़ी ही पावन धरा पर जो आज ये गांव बसाथिया वाला जिनके नाम से बसे हैं, बाबा बालाजी महाराज की उनके चरणों में ही है ये गांव, तो बाबा जी का जयकारा भी लगा दे। बोलिए बालाजी महाराज की जय। आज गांव बसाथिया वाला में सम्मानित सभी युवा साथी, मेरे भाई, प्यारे बच्चों और सुबह से हमारे साथ चल रहे हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, जिनमें हमारे लोक के चेयरमैन भी हैं भाई भूषण जी, जिला परिषद के मेंबर भाई परमजीत जी, भाई दिलीप जी, और सभी का नाम ना लेते हुए क्योंकि बहुत सारे सुबह से चल रहे हैं, मास्टर जी बैठे हैं, संदीप जी बैठे हैं, और हमारे बड़े भाई आदरणीय दाताराम जी हैं, और सभी लक्की खाते से तो सारे सभी का नाम ना लेते हुए सभी सम्मानित साथीगण और आए हुए सभी सम्मानित मंच, आप सभी का मेरी ओर से अभिनंदन, स्वागत। साथियों, आप सभी जानते हैं कि चुनाव का दौर है और इस चुनावी दौर में आज आप लोगों के बीच में आप सबका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद लेने के लिए और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे, ताकि आप लोग यहां से अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे और हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की वो आपकी अपनी सरकार बनेगी। साथियों, आप लोगों ने मुझे पहले भी अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन उस समय सरकार जो बनी वो मिली जुली भाजपा सरकार बनी, और इस सरकार ने जब से सत्ता में आई हर वर्ग के ऊपर तानाशाही की, लाठियां और डंडे बरसाने का काम किया। आज बात करें किसान की, जो सबसे बड़ा लंबा धरना प्रदर्शन चला हमारे किसान साथियों का था, जिसमें हमारे 750 से ज्यादा किसान साथी शहीद हुए, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने हमारे उन किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुई और ना ही उनकी कोई जायज मांग मानी गई। ऐसे ही बात करें अपने युवाओं की, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ना किसी के पास रोजगार है ना कोई काम है, और उसकी वजह से हमारे युवा साथी गलत आदतों का शिकार होते जा रहे हैं।
बात करें महिलाओं की, नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इस सरकार में हमारी बेटियां हमारी महिलाएं कहां सुरक्षित हैं? चाहे आशा वर्कर हो आंगनवाड़ी वर्कर हो या हमारे देश का नाम रोशन करने वाली हमारी बेटियां हो, सबके ऊपर लाठियां डंडे बरसाने का काम किया गया। साथियों आज आपके पास समय है, मौका है इस तरह सारी सरकार को सत्ता से बाहर करने का, और उसका एक ही विकल्प है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है और सबका साथ सबको साथ लेकर चलने वाली है। पहले कांग्रेस का सरकार थी तो किसान की उनकी फसलों के उचित दाम मिलते थे, गरीब को कॉलोनी भी मिली, प्लॉट भी मिले, बीपीएल कार्ड भी मिले, लेकिन इन 10 साल में किसको गरीब को क्या मिला, कौन से किसान की बात मानी गई और कौन से कितने युवाओं को रोजगार मिला? तो साथियों ये इनके झूठे ढकोसले हैं, सब इनके लच्छेदार भाषण है कि जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज जनता जागरूक है, इनके बहकावे में ना आकर जनता अपनी वोट की चोट से इस तानाशाही सरकार को, उन किसानों को याद करके वोट डालेगी जो 750 ज्यादा हमारे किसान साथी शहीद हुए, उन महिलाओं को याद करके वोट डालेगी जिनके ऊपर लाठियां और डंडे बरसाई गई, उन युवाओं को याद करके वोट डालेगी जिनका आज भविष्य अंधकार में होता जा रहा है, किसी के पास रोजगार नहीं है, और जो ये नशे की महामारी जो बीमारी फैली हुई है ये सब भाजपा की दौलत है। आप सब जानते हैं कि हमारे हर वर्ग के ऊपर अत्याचार इन्होंने किया। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अपील भी करूंगी, और मैंने तो विपक्ष में होने के नाते मैंने अपने क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे, चाहे यहाँ की सड़क की बात हो, यहाँ के खेतों की पानी की निकासी की बात हो, या स्कूल की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, स्कूलों की बात हो, या डेवलपमेंट के मुद्दों की बात हो, विधानसभा में हर सत्र में मैंने बात उठाई ताकि यहाँ की समस्याओं को दूर कराया जा सके, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार नहीं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने का उन्होंने काम की। तो साथियों ये तो आप भी सब जानते हैं, सब लोग समझ चुके हैं, आज हमारे क्षेत्र में जितना समस्याओं का अंबार है वो बिना पैसे के ना तो सॉल्व हो सकता है ना ही उसके काम हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं वादा करती हूँ कुछ काम हमारे जो हुए और कुछ रह गए हैं, सरकार आपकी बनेगी, आपका आशीर्वाद सोडोरा से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा तो सरकार में आपके ज्यादा से ज्यादा काम कराएंगे, चाहे वो आपकी सड़क की समस्या हो, चाहे वो आपके पानी की निकासी की समस्या हो, या गांव के विकास के काम हो। मैंने तो सरकार की तरफ से जो भी पैसा मिला थोड़ा बहुत मैंने काम करवाया, यहाँ के अंबेडकर भवन बना है, यहाँ 3-4 गलियां बनके तैयार हुई है, और भी छोटा मोटा जो और काम थे वो काम हुए हैं, लेकिन सरकार आपकी बढ़ेगी, सरकार में रहकर आप जितने मर्जी जो मर्जी काम कराना और जो भी गांव के विकास होंगे वो हम पूरा कर देंगे। साथियों आज तो मैं आप सबसे यही कहने आई हूँ कि आप लोगों ने किसी के बहकावे में ना आकर, चाहे वो भाजपा हो, बीएसपी हो, आम आदमी हो, बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, और भाजपा की भी टीम बनकर वो काम कर रहे हैं, भाजपा समर्थित लोग हैं। आप सभी से निवेदन करूंगी कि आने वाली 5 तारीख को आप हाथ के सामने का बटन दबाएं और कांग्रेस पार्टी को जिताएं। कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपकी अपनी सरकार बनेगी। समय मौजूद है गांव बसातिया वाले में, और यहां पे अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनका प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उनसे पहले हम यहां पे लोगों के व्यू जानने की कोशिश करेंगे। किसी बार वो मन के अंदर के हमें कुछ साथी मिले, ये कह रहे हैं कि हमें अपने मन की बात कहनी है, मन की बात।
क्या नाम है भाई साहब? मनीष कुमार है जी। कहाँ से हो जी? बसाते वाले से जी। आपने हमें अभी यहाँ पे बुलाया, हम वहाँ खड़े थे कि आप हमें कुछ कहना है, क्या कहोगे भाई साहब? कहना तो यही चाहा जी, भी वोट पिछली बार भी पाइया, हमारे तो गांव का ऐसा सिस्टम बनाए रखा है जिस तरह कहीं खाना माफिया को जी 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 जहाँ बच्चे स्कूल में पढ़न जहाँ जी सड़क काल देखा है, बारिश का महीना चल रहा है, ऊपर दिया मट्टी चला जी सारा दिन। बिल्कुल जी, ऐसा रह जी छोली गाँव से बसाते जो सड़क आ रही है वो सड़क बिल्कुल खस्ता हालत में है, चाहे किसी की भी सरकार हो लेकिन काम विकास होना चाहिए। काम कोई होता नहीं है जी।